देखिए आज हम अर्थशास्त्र में बाजार मांग अनुसूची के विषय में सीखेंगे। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। देखिए भी बाजार में किसी वस्तु के अनेकों उपभोक्ता होते हैं। एक निश्चित कीमत पर विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मांग मात्रा के योग को बाजार मांग तथा प्राप्त तालिका को बाजार मांग तालिका तथा प्राप्त वक्र को बाजार मांग वक्र कहते हैं। देखिए इसमें दो तीन चीजें एक साथ आ गई है। पहला है बाजार मांग, दूसरा है तालिका को बाजार मांग तालिका तथा वक्र को चित्र को बाजार मांग वक्र कहते हैं। तो यदि इनमें से कोई एक भी एग्जाम में आता है तो हमको यही लिखना है। बाजार मांग में भी यही लिखना है, तालिका अनुसूची आती है तो यही लिखना है, और बाजार मांग वक्र आता है तो यही लिखना है। मैथमेटिकली रूप से देखो, ये जो हमने कहा है वो ये है। गणित में यह है कि परिभाषा को सूत्र व्यक्त करता है। ये सूत्र हो गया डी डी एम पी इक्वल टू डी वन पी धन डी टू पी धन डी थ्री पी प्लस डैश डैश। अनेकों उपभोक्ता हो सकते हैं, हमने लिख रखा अनेक उपभोक्ता होते हैं। तो अनेक में ये 3, 4, 5, 8, 10, 50, 100 कितने भी उपभोक्ता हो सकते हैं। तो हमने इसके आगे डैश 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 लगा दिया। अब देखो डी डी एम का मतलब, एम का मतलब होता है मार्केट, MARKET मार्केट, और डी का अर्थ होता है डिमांड। मार्केट को हिंदी में कहते हैं बाजार और डिमांड को कहते हैं मांग। तो ये होगी आपकी बाजार मांग। किस कीमत पर? एक निश्चित कीमत पी पर। ये देखो निश्चित कीमत लिख रखा है, ये हुआ पी। सबके आगे लिख रखा है पी कीमत पर प्रथम उपभोक्ता की मांग। डी वन, वन का मतलब पहला उपभोक्ता, टू का मतलब दूसरा, थ्री का मतलब तीसरा उपभोक्ता। तो इनकी मांग के योग को देखो, प्लस का मतलब योग। ये सारी शब्दावली इतने में सिमट गई है। गणित में ये होता है कि आपका सूत्र ही आपकी परिभाषा को व्यक्त। तो इसका सूत्र यह है, इस जो हमने लिखा वह इसका अर्थ यह है। इससे आगे आप देखिए इसका चित्र बनाता हूं मैं, तालिका और चित्र किस प्रकार इसका बनेगा। अब हम यह मानते हैं बाजार में केवल दो उपभोक्ता हैं। हमने अपने चित्र को आसान बनाने के लिए यह माना कि बाजार में केवल दो उपभोक्ता हैं, तो उनके द्वारा मांगी गई, पहले उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को हम कहते हैं डी वन, और द्वितीय उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा को डी टू, और ये बन जाएगा डी एन। बाजार मांग हमने पढ़ रखा है डी वन पी धन डी टू पी। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए हम इसमें व्यक्तिगत मांग तालिका वाला पहला आंकड़ा वही लिख देते हैं नीचे को गिरते हुए, और दूसरे उपभोक्ता की मांग को हम 6 से शुरू कर देते हैं नीचे को गिराते हुए। देखो मांग का नियम यहाँ पर भी प्रयुक्त हो रहा है, कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जा रही, दोनों में हो रही का। अब देखिए ये स्पष्ट दिख रहा सूत्र, इसका जोड़ और इसका जोड़, इसको डी वन पी भी लिख सकते हैं, इसको आप डी टू पी भी। इन दोनों का जोड़ कितना हुआ? 5 धन 6 इक्वल टू 11। अभी दूसरा हो गया 4 धन 5 इक्वल टू 9, और तीसरा हो गया 3 धन 4। साफ दिख रहा, इन दोनों को जोड़ देना, इसमें इन दोनों को जोड़ देंगे 2 धन 3 इक्वल टू 5, 1 धन 2 इक्वल टू 3। ये तालिका बन गई है आपकी बाजार मांग तालिका। अब इसका देखिए चित्र खींचना, तो चित्र में तीन चित्र बनेंगे, 1, 2, 3। मैं इन तीनों चित्रों को यहाँ पर आपके सामने बना देता हूँ, आप इसको देखिए किस प्रकार चित्र बनते हैं। तो पहले मैं एक्स अक्ष बना रहा हूँ तीनों के, और ध्यान रखिएगा तीनों की एक ही है लाइन, तीनों की एक ही बननी है। एक्स अक्ष वाली लाइन जो मैं कह रहा हूँ एक ही है, देखो ये एक सीध में है, ये इससे अगली वाली भी यही सीध में आपकी लाइन बनेगी, इसका निर्माण इसी सीध में होगा। ये जरा आपने यहाँ पर ध्यान देना है। आप देखिए पहले मैं तीनों चित्रों में एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिख देता हूं।
इधर को आपने क्या लिखना है, क्यू डी मांगी गई मात्रा और इधर को की मात्रा, तीनों चित्रों में चीजें हमने दिखा देनी है। अब उसके बाद छोटे आंकड़े हैं तो मैं पांच तक यहाँ, क्योंकि देखिए कीमत यही है एक दो तीन चार, इस आंकड़े के लिए भी कीमत यही, इसके लिए भी यही, इसके लिए भी यही, और वह है केवल पांच तक, तो मैं पांच तक यहाँ निशान लगा देता हूँ, एक दो तीन चार पांच, ऐसे निशान में इसमें भी लगा देता हूँ, दो तीन चार पांच, यहाँ भी आपने यही निशान लगा दिया। तीनों चित्र एक साथ निर्माण होगा, अलग अलग नहीं बनेंगे। अब देखिए मांग मात्रा, पहले में देखिए मांग मात्रा एक से लेकर पांच तक है, तो मैं चिन्ह लगाऊंगा केवल पांच तक, एक दो तीन चार और पांच। दूसरे में देखिए छह तक है, तो ये छह तक आप मुझे बनाने पड़ेंगे, क्यों बनाए, क्योंकि वो आंकड़ा छह तक है, तीन चार पांच और छह। अब इसमें देखिए तीसरे में मांग मात्रा 11 तक पहुंच गया, तो मैं इसमें 11 तक बनाऊंगा भी चित्रों को, तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और 11 तक मैंने निशान लगा दिया, एक दो तीन पांच छ सात आठ नौ और 11। अब देखिए मैं पहले इस चित्र को, आप इस चित्र इसको नहीं इस समय बनाना, हमने केवल इसको बनाना है, ये और ये देखिए भी, आप कौन सी चीज है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर कौन सी चीज है, इसको आप देखिए, एक्स अक्ष पर है हमारी ये, तो आप देखिए एक इकाई के लिए इसका मान पांच है, तो मैं एक पे इसे रखकर पांच पे निशाना लगा देता हूं ये, और दूसरा ऊपर पांच इकाई मांग मात्रा के लिए कीमत एक है, तो ये एक पर मैंने यहाँ निशान लगा है, ये आपका पहला वक्र बन गया है जिसको हम कहेंगे डी वन डी वन। अब द्वितीय वक्र देखिए, अब इसको छोड़ दीजिए, इस पर आ जाइए, यहाँ से शुरू करिए, दो इकाई के लिए कीमत है पांच, ये देखो एक से नहीं शुरू करा, दो से करा, दो पर पांच, ये पांच पर निशान लगा दिया, दो इकाई से देखिएगा यहाँ से लगाए, और छह इकाई पर एक, ये देखिए ये छह इकाई के लिए कितनी है कीमत एक, तो मैं छह पर एक पर निशान लगा दे रहा हूँ, ये वक्र आपका बन गया डी टू डी टू, ये वक्र आपका बन गया डी टू डी टू। अब इस पर आ जाइए डीएम वक्र पे, क्या है यहां से देखिए, तीन इकाई के लिए कीमत है पांच, तीन इकाई पे मैंने पांच पे ये निशान लगा दिया, ये देखिए तीन से यहां, लेकिन ये निशान एक से नहीं लगा, तीन पे पांच, और ग्यारह इकाई के लिए कीमत एक है, तो ग्यारह पे मैं गया और मैंने एक पे निशान लगा दिया, ये इन दोनों बिंदुओं को मैं अब मिला ले रहा हूं, ये आपका बन गया डीएम डीएम, ये कौन सा वक्र है बाजार मांग, और ये क्या है डी वन का मतलब प्रथम उपभोक्ता की मांग, यह है आपका द्वितीय उपभोक्ता के। अब देखिए इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा, यदि मैं एक कीमत तीन के लिए ले लेता हूं, तो मैंने तीन से अब ये सीधी लाइन खींच दी है आगे को, स्केल से परेशानी हो रही है तो मैं इसे हाथ से खींच दे रहा हूं, और इसको आप यहां पर देखिएगा कि ये मैंने लाइन खींच दी, आप स्केल से खींचेंगे, देखिए यहां पर ही मिला, यदि मैं यहां से लाइन खींचू तो तीन पे मिल रहा है, ये कितने पे मिल रही है चार पे, ये देखिए चार, और ये मिल रही है आपकी सात पे, ये आप देखिए तीन, आप इधर से भी देखिए कीमत तीन है, प्रथम उपभोक्ता की मांग तीन, दूसरे की चार, और ये होकर रहा है सात, इसको हम कह दें यदि क्यू वन, इसको कह दें क्यू टू, इसको कह देंगे हम क्यू एन, तो मांगी गई बाजार मात्रा प्रथम उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा और द्वितीय उपभोक्ता की मांगी गई मात्रा के योग के बराबर होनी चाहिए, जो कि चित्र में भी स्पष्ट हो गया। देखिए हमने लिखा तीन कीमत के लिए, आपने देखा यह है तीन इकाई, यह है चार इकाई, और मांगी गई मांग आपके नीचे सात, तो ये देखिए चित्र से मैंने तीन की सीध में सीधे लाइन खींच रखी स्केल से, ये
इसमें मैंने ऊर्ध्वाधर रेखा खींची तो ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 7, अर्थात QM इक्वल टू Q1 प्लस P2 और BM इक्वल टू होता है B1 P धन B2 P, ये भी वही है, बाजार मांग दोनों उपभोक्ताओं के मांग के योग के बराबर होती है। तो आप इन चित्रों को बनाना सीखे, देखो लिखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है चित्र। एक चित्र व्यक्ति के दिमाग पर लिखे से 10 गुना अधिक असर करता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसी आपकी बनी तालिका चित्र बनी, एग्जामिनर ने देखा कि बिल्कुल ठीक बना है, तो उसको लगता है कि इसने जो लिखा है सही लिखा है, बाकी तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। इसके लिए आप चित्र खींचना सीखिएगा और किताबों में थोड़ा ये चित्र किस प्रकार खींचे गए हैं यह सिखाया नहीं गया है। इसलिए आप इन उदाहरणों को, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझिए उसको और धीरे धीरे चीजें आपकी समझ में आएंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।